गाइस फाइनली हमने ये वाला टायर परचेज कर लिया है और ये मिशलिन का टायर है। हाँ तो भाई वो बर्न आउट मारने के लिए तैयार है, पहले टायर घिसेंगे। चल भाई चल चल देखते हैं। डबल डिस्क तो भाई चेक आउट करो कितना बेहतरीन इसका लुक आ रहा है, देखो इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो गाइस हम जो है गर्मी के हमारा बुरा हाल हुआ है हमारा, तो भाई हम फिर सिकंदी और हम अपनी बाइक के अंदर जो है टायर भी डलवा रहे हैं क्योंकि हमें कल सुबह उत्तराखंड की साइड निकलना है और इसके साथ साथ हम डिक्स भी लगवा रहे हैं अगले पहिए में। तो देखते हैं कैसा लुक आता है, क्या होता है क्या नहीं। पैसे तो खैर छोड़ गई, देख बढ़िया बनाई है। गाइस फाइनली हमने ये वाला टायर परचेज कर लिया है और ये मिशलिन का टायर है। अंकल का कहना तो ये है भाई बहुत बढ़िया, इससे बेस्ट है नहीं, तो भाई अंकल की बात पे भरोसा करके हम ये ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे मन तो इसी का ही लेने का था। ग्रिप देखो कितनी बढ़िया है, जैसे मर्जी चलाओ। गाइस गाड़ी तो खुली पड़ी है हमारी, ये पड़ा इसका टायर, तो भाई इसके अंदर लगेगी डिक्स एक और पल्ली साइड, देखते हैं फिर इसके बाद इसको करेंगे। पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो भाई भूख लग रही थी, आ गए हैं सर्दी के काउंटर पे, तो भाई छोले कुलचे खा रहे हैं, बहुत ही मस्त करके बना रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। मम्मी तो कर सकती है हमारी इतनी सिकाई, लेकिन घरवाली करे बड़ा मुश्किल काम है। चलो कोई नहीं। एक नहीं दो, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। गाइस हमने एक बाला गिलावा ले लिया है, पहली बार ये नाम सुना है मैंने। हम तो सीधे डायरेक्ट कहते हैं टोपा ले लिया, एक टोपा कह लो भाई, यही कंफर्टेबल है। तो चलिए महंगे महंगे हैं 600, 700, 800, 1000, लेकिन हमें सस्ते में ले लिया, इसका पैसे नहीं बताएंगे हम आपको। हाँ जी सही है, दिक्कत दी है डबल डिक्स, तो भाई चेक आउट करो कितना बेहतरीन इसका लुक आ रहा है, देखो इस साइड से भी और इस साइड से भी। भाई बहुत ही ज्यादा जो है बल्कि लग रही है हमारी बाइक, मजा ही आ गया। तो अब आयान जो है ये क्या क्या बोलते हैं उसे, बर्न आउट क्या होता है। हाँ तो भाई वो बर्न आउट मारने के लिए तैयार है, पहले टायर घिसेंगे फिर उसके बाद जो है हम अपना टायर इसका मिशलिन का चेंज करवाएंगे इसके अंदर। चल भाई देखते हैं कैसे मारेगा तू, चल 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 चल। हाँ सपोर्ट में लगा ले और क्या। चल भाई चल चल देखते हैं।
छोकरी की गाली। भाई कैसा फील आ रहा? चल कोई बात नहीं। तो भाई देखो टायर का क्या हाल हो गया है। कैसा लग रहा है? तो भाई मुझसे करना आता नहीं है तो मैंने जान के नहीं करा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जब ये बच्चा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ ना यार। है भाई मैं भी कर सकता हूँ। मुझसे ही गाली चलाना है ये दोस्तों। मैं बहुत कलाकार हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कलाकार मैं ही रहूंगा बेटा। मैं बाप हूँ तू बेटा है। सही बात है। लो भाई बहुत बढ़िया यार। अब इसके अंदर हम ये वाला टायर जो है चेंज कराएंगे और ये लगवाएंगे। सो भाई फाइनली हमने डिस्क वगैरह सब लगवा लिए है। तो भाई चल रहे हैं अपने खालू साहब की दुकान पे, वहाँ बैठेंगे 15-20 मिनट या आधा घंटा और सीधे निकलेंगे वहाँ से घर। तो अभी घर जाना ज़रूरी है, घर से भी फ़ोन आ गया है कितनी देर और लगेगी। तो अभी कुछ करना नहीं है, सीधा वहीं निकलना है। भाई आगे चल रही है ब्लैक कलर की थार और भाई इसके जो अलॉय व्हील है भाई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार। लग रही है कि हाँ भाई कोई बहुत बढ़िया और भारी भरकम अपना बाइक जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ इधर से कट मार लेता हूँ। जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इधर से चलता हूँ। अबे यहाँ भी जाम है। वापसी ले लूँ? भाई आगे जाम होने की वजह से मैंने तो मोड़ ली वापस। अब अपनी बाइक को हम मोड़ेंगे इस हाथ पे और देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। अब करोल बाग में तो जाम मिलता ही है यार। गाइस आ गए हम अपने खालू साहब की दुकान पे। देखो काम फैला पड़ा है। एक बाइक देखो ये कितनी खूबसूरत बन रही है। एक ये तैयार होने को रेडी है। ये भी शायद भूसा है ना। आया भूसा ये वाली भी। और वो वाली उसका नाम नहीं पता, वो कौन सी है? वो इंटरसेक्टर है। अच्छा इंटरसेक्टर। हाँ। इंटरसेक्टर है कोई गाड़ी भाई। ये वो है भाई इम्पोर्टिटी है। तो भाई बन रही है अभी, तैयारी पे नहीं है। जब तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल इसका भी रिव्यू देंगे आपके सामने। बाकी तो भाई अंदर से बाहर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ले बेटा अरे पी ले थोड़ा सा। तो पी ले तो हमने करा लिया दुकान पे। और भाई अब चलते हैं अपने घर की तरफ। चल बेटा चल बैठ गया फटाफट। यार रुक जा पहले सीधी करने दे। चल भाई चल।
तो भाई चल लेते अपने। सही है। भाई गर्मी बहुत है, पानी पी पी के पेट ऐसा हो गया है, ओहो पेट में पानी चुप सा रहा। अब तो राम स्टिकर पे नंबर प्लेट वगैरह जो भी बनवानी हो भाई राम से बनवाओ। ऐसे तो हम तो सारी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन इससे ही करा लेते हैं, तो एक छोटा सा काम है तो हमारा यान करवाएगा। ये लगवानी है आयान को, अब देखो पता नहीं क्या है, जो एक कह देता है मैं करवा देता हूँ। ये तो लड़का नया है, नहीं, राम भाई का साला है। ये अबे क्या नाम है तेरा भाई? धनुष, धनुष, अनुज, अनुज, प्रिय अनुज, वो है ना अनुज, वही वाला अनुज। हाँ कोई बात नहीं, चलो ये तो 5 मिनट का काम है बस, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। फाइनली गाइस जो हमें लगवाना था वो तो हमने लगवा लिया और जा रहे हैं अपने अब घर की तरफ। हमें ज़रा सी टेपिंग करानी थी आई की हेडलाइट पे ब्लैक कलर की, वो हमने करा ली, अब घर की तरफ जा रहे हैं। और गाइस नया टायर डला है तो फर्स्ट टाइम ही चला रहा हूँ अभी, तो मैं फील तो अच्छी आ रही है, मतलब ग्रिपिंग गाड़ी छिपक के चल रही है थोड़ा रोड से। चलते हैं अपने घर की तरफ ही, जाम तो बहुत है। चलो जी गाइस, गाड़ी की क्लच का वो सेट करा है शाहरुख भाई से, तो सही चल रही है गाड़ी, मतलब जो पहले सर्विस पे हो गई थी ना चल नहीं रही थी सही, अब सही चल रही है। तो टेप तो करा लिए, घर जा रहे हैं, डबल डिस लग चुके हैं आगे, अच्छा फील आ रहा है। इधर से निकल, हाँ सल, हाँ गाइस सलमान कहता है जब लड़के आए तो रेस दिया करो। तो घर की तरफ चल रहे हैं अभी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और हेलमेट पे भी एक चीज़ कुशनिंग करी थी थोड़ी सी, वो थोड़ा टाइट करा हमने ताकि हिले ना। अब मेरे भी सही आ रहा है, जो पहले हिल रहा था वो नहीं आ रहा, अब हिल भी नहीं रहा है, मतलब अभी क्या कर रहा है भाई। चलो जी गाइस, अब हेलमेट बिल्कुल नहीं हिल रहा ना तो गाड़ी भी सही चल रही है उससे, वरना गाड़ी से ज़्यादा हेलमेट। चलो जी अपने घर, यहाँ पुलिस वाले तो खड़े थे। चलो जी अपने घर की तरफ, चलो जी गाइस, बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, कल मज़ा ही आ जाएगा पहाड़ों के ऊपर ठंडी ठंडी हवा में, पर मुझे तो दूसरी गाड़ी में बैठना है, चलाएंगे पापा ही, तो पापा को ही मज़े लेने देते हैं। और चलते अपने अभी जल्दी से घर की तरफ,
बस वाला गाइस कितनी धूल उड़ा के लेके गया। अभी देखो कैसे चला रहा है, टेढ़ी मेढ़ी बस चला रहा है वो, बहुत ज़्यादा ही। चलो गाइस आ तो गए अपने इलाके सीलमपुर में, मैं घर और पहुँचे हैं बस। सो गाइस आ गए हम करोल बाग से, अपना जो भी अपनी बाइक के अंदर हमें काम कराना था वो सारे काम करा लिए, जैसे कि हमें डिक्स लगवानी थी लगवा ली, और रियर टायर जो था वो भी चेंज कराना था हमें, वो भी हमने मिशलिन का लगवा लिया है। तो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सही है, रिजनेबल पैसों में काम भी हो गया और गाड़ी हमारी बाइक बहुत ज़बरदस्त हो गई। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, तो अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।